जिला मुख्यालय पर पहुंचे कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई एवं बेरोजगारी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। वाहन में पार्टी के सीनियर नेताओं को ले जाया गया। केंद्रीय आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी ने महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ईडी, सीबीआई जांच एजेंसी का दुरुपयोग के विरोध में धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पुलिस वाहन से शहर कोतवाली ले जाया गया, जबकि युवा नेता पैदल ही कोतवाली के लिए रवाना हुए। आज हम सब कांग्रेस जन पूरे मिर्जापुर में यहाँ पर जिला कचहरी में हम सब लोग महंगाई और बेरोजगारी के उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर आप देख रहे हैं जो जनता करा रही है महंगाई से, बेरोजगारी से। जनता के किसी प्रकार कोई सुनवाई नहीं है। सारा फैक्ट्री, सरकारी उद्योग जो थे बंद करके प्राइवेटाइजेशन किए जा रहे हैं। जिस कदर से महंगाई बढ़ी है जनता करा रही है और जनता हर तरह त्रस्त है। आज जो परिवार चला रहा है दर्द उसी को पता है। ये जो परिवार के बारे में पता नहीं आज जो शासन कर रहे हैं, देश का दुर्भाग्य है कि आप देख रहे हैं कोई कहीं भी किसी भी प्रकार कोई जनता कहीं कोई ऑफिस में सुनाई नहीं दे रही है। तो हम सभी कांग्रेस के लोग आज मुख्यालय पर यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके लिए जनता की हर तरह से मांग मनवाने के लिए और भारत सरकार में जो ईडी का दुरुपयोग, सीबीआई का दुरुपयोग, सारे विभागों का दुरुपयोग किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम सभी कांग्रेस जन आज धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं।